हेलो दोस्तों, चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर में जो है कि इसमें 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर यानी कि आज तक का करंट अफेयर है। पिछले कुछ दिन से अपलोड नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्या करंट अफेयर है। और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को फ़ायदा हो। और एक और हमारा दूसरा चैनल है जिसमें कि बिहार का जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे वह बिहार SI, बिहार पुलिस, ये सब संबंधित से उसमें वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो उसको देखिए, उसका लिंक जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। भारत ने 5वीं आभासी ब्रिक्स विकास उद्योग मंत्री बैठक किसने किया? पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, सोम प्रकाश, रविशंकर प्रसाद। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वीं आभासी ब्रिक्स विकास उद्योग मंत्री का जो बैठक हुआ था, उस बैठक का संबोधन किसने किया था? जी हाँ, ये किया था कौन? सोम प्रकाश। तो देखिए, ब्रिक्स जो है कि इसमें कौन कौन सा देश है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इतना सदस्य देश है उसमें। अच्छा, ये जो बैठक हुआ था उस बैठक में मुख्यतः यहाँ जो है कि 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसके ब्रिक्स का जो है कि भारत 2021 में मेजबानी करेगा। ठीक है, देखिए इसका मेजबानी होता कैसे है, कौन सा देश करेगा नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर नाम है ना ब्रिक, तो इसे बी से ब्राज़ील, पहले पे ब्राज़ील करेगा। मतलब अल्फाबेटिकल नेम के बेसिस पे जो है इसका रिस्पेक्टिव जो कंट्री होगा वो इसको होस्ट करेगा। ठीक है, तो भारत जो है कि 2021 का ब्रिक्स का मेजबानी करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन है? जोखा लार्थी, आवनी देशी, हिलेरी मांटेल, मेरी के लुकास रिजनेवेल्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है मेरी के लुकास रिजनेवेल्ट। ठीक है, उसको जो मिला है ये इस बुक्स के मिला है, द डिस्कमोट ऑफ इवनिंग, इस बुक्स के लिए उसको मिला है। ठीक है, और ये एक डच लेखिका है। अब देखिए इसमें उसको कितना मिला है, $66,000 मिला है। ठीक है, $66,000 उसको मिला है। तो इसका सही आंसर क्या है, मैरिके लुकास रेजनेवेट्स। किस बुक्स के लिए मिला है? द डिस्कोमोट ऑफ इवनिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक के निम्नलिखित में से किस कोच पर आधारित है? संजय वांगर, रवि शास्त्री, वासुदेव प्रांजपे, अनिल कुंबले। जी हाँ, ये जो है इसका सही आंसर होगा। क्रिकेट के द्रोण जो होता है वो पुस्तक आधारित है किसके ऊपर? वासुदेव प्रांजपे। ठीक है, वासुदेव प्रांजपे के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स सेवा का शुरुआत किया है? एक्सिस बैंक, SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। देखिए इसमें होता क्या है कि जो लाभार्थी होंगे उनको 25,000 जो है कि
अपना अकाउंट में पर मंथ मेंशन करके रखने के बाद उनको कुछ सुविधा दिया जाए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हुआ, टूरिस्ट के लिए इस तरह से कुछ फैसिलिटी उसको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कि सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है, कर्नाटक, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है दिल्ली सरकार। अभी COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि हर वेडनेसडे को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, जो कि वह उसको देखकर सभी जो है कि उसका प्रैक्टिस करेंगे ताकि वह स्वस्थ और स्वस्थ रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस मंत्रालय ने चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है, संचार मंत्रालय, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बताइए क्या हुआ इसका चुनौती कार्यक्रम जो है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। देखिए ये है क्या, इसके अंतर्गत जो नया इनोवेशन सब कर रहा है, मतलब जो देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स का पहचान करना है, जिन्हें 25 लाख रुपए तक का प्रारंभिक राशि और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन ने भारतीय रेलवे ने पहली बार बैगेज सैनिटाइजर एंड रैपिंग मशीन स्थापित किया, अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलोर। जी हाँ, इसका सही आंसर है अहमदाबाद। देखिए इसमें इसका सही आंसर है अहमदाबाद। इसमें होता है क्या ना कि ये जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास जितना भी खाने पीने का सामान सब है वो सभी सुरक्षित रहेगा, पूरा वहाँ पे सैनिटाइजर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा मंत्रालय एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन खोलेगा, ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व जल सप्ताह 2020 की तिथि क्या है, 26 से 30 अगस्त, 24 से 28 अगस्त, 24 अगस्त, 22 से 16 अगस्त। जी हाँ, ये था हो गया जो है कि ये हुआ था कब, 24 अगस्त से 28 अगस्त सर। ठीक है, विश्व जल सप्ताह, देखिए सर 1991 के बाद प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जाने वाला वैश्विक परियोजना है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश को, यहाँ पर छोटा हुआ लगता है, किस देश को WHO, ठीक है यहाँ पे WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। मतलब क्वेश्चन है कि WHO द्वारा कौन सा देश को हाल में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। जी हाँ, इसका सही आंसर है अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए क्या है, WHO इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड, स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, भारत भी इसका सदस्य है और वर्तमान में इसका सदस्य कितना है, 194। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थी की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। जी हाँ, यह तमिलनाडु। भारत सरकार द्वारा एक ये महिलाओं को उद्यमिता बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण योजना का लाया गया था, जिसमें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की महिलाएं सब सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग कार्यक्रम शुरू किया है? दिल्ली सरकार, असम सरकार, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, अभी चलिए इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है केरल। ठीक है, केरल सरकार द्वारा प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सूक्ष्म भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैदराही गांव में वैदराही लिफ्ट सिंचाई योजना का आरंभ किया है? गांव के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान। जी हाँ, देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्ण आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई जाएगी। बता दें कि ब्लू प्लाक योजना ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस देश ने रूस में अगले वर्ष अगले महीने होने जा रहे हैं साझा सैन्य अभियान कावाकास 2020 से खुद को अलग कर लिया है? भारत, नेपाल, जापान, पाकिस्तान। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत किया। ठीक है, अगला महीना जो होने जा रहा था रूस में ही ये होने था कावाकास नौसैनिक अभ्यास, इसमें जो है कि भारत का तीनों सेना पार्टिसिपेट करता, लेकिन भारत जो है कि इससे अलग हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें जो है कि पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है और चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? केरल, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है केरल। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखते हैं कि केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके,
बस इतना ही था। तो इसको जो है कि सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। और इसका PDFs के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मिल जाएगा 9473123824। तो चलिए, धन्यवाद।